में हम लोग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स और सर्च क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हम लोग इस लेसन नंबर 8 के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के ही डेटा सेट को यूज़ करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी हो इन्फ्रेंसेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट किस सिचुएशन में और किस सिनेरियो में यूज़ होता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की एग्जांपल को इसकी डिटेल को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमने कोई भी टी टेस्ट अप्लाई करना हो तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टी टेस्ट कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो ट्रू होंगी तो हम लोग पैरामेट्रिक टी टेस्ट लगाएंगे। कंडीशन 1, डेटा हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशन 2, देर इज होमोजेनिटी इन आर डेटा सेट। कंडीशन 3, देर इज अ लार्ज डेटा सेट एंड हैज़ नो आउटलायर्स। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस आर ट्रू देन वी हैव टू यूज पैरामेट्रिक टेस्ट, अदरवाइज वी हैव टू यूज नॉन पैरामेट्रिक टी टेस्ट। कमिंग लेक्चर्स में हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टी टेस्ट को भी डिटेल से देखेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट विच इज यूज टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशंस। इसके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हमें एक डेटा सेट डिवेल्प करना पड़ेगा। देन वी हैव टू यूज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट फॉर एनालिसिस। सिनेरियो 1, एंड इकोनॉमिस्ट वांट्स टू कंपेयर द पर कैपिटा इनकम ऑफ टू डिफरेंट रीजन्स। सिनेरियो 2, अ लेबर यूनियन वांट्स टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ वर्कर्स फॉर टू डिफरेंट ग्रुप्स। इसके एग्जाम्पल है, अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू कंपेयर द एफिशेंसी ऑफ द वर्कर्स ऑफ टू माइंस, वन विद प्राइवेट ऑनरशिप एंड अदर विद गवर्नमेंट ऑनरशिप। हम इस एग्जाम्पल का एक डेटा सेट भी बनाएंगे और उस डेटा सेट को यूज करते हुए हम दो डिफरेंट ग्रुप्स का कंपेरिजन करेंगे यूजिंग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। लास्ट एग्जाम्पल है, एन एस्पायरिंग MBA स्टूडेंट्स वांट टू कंपेयर द सैलरीज ऑफर टू द ग्रेजुएट ऑफ टू बिजनेस स्कूल्स। स्टूडेंट्स, आप इन सिनेरियोज को देखते हुए इनके अकॉर्डिंगली डेटा सेट डिज़ाइन करें और उसके अंदर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को अप्लाई करके जो आउटपुट और रिजल्ट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज इंटरप्रेट करें। लेकिन इस स्टडी के अंदर क्योंकि हम लोग कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के डेटा सेट को यूज़ कर रहे हैं तो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का जो डेटा सेट है, जो एग्जाम्पल है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वेरिएबल है सिडलिंग्स, सिडलिंग्स आर आल्सो कॉल्ड यंग प्लांट्स, और क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रीटमेंट है। इसके अंदर क्या क्या गया है, इसमें 20 पेट्री डिशेस ले गई और हर डिश के अंदर 10 सीड्स लगाए गए और 10 डिशेस को लाइट एरिया में रखा गया और 10 डिशेस को हमने डार्क एरिया में रखा और फिर उनके ग्रोथ रेट पे कंपैरिजन किया लाइट एरिया के और डार्क एरिया का। और इसका रिसर्च क्वेश्चन अगर आप देखें तो लिखा हुआ, इज देयर अ डिफरेंस इन द एवरेज नंबर ऑफ सीडलिंग्स ग्रोन इन द लाइट एरिया एंड दोज ग्रोन इन द डार्क एरिया। और इसका नल हाइपोथेसिस ये होगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सीडलिंग और यंग प्लांट्स ग्रोथ अंडर द लाइट एरिया एंड अंडर द डार्क एरिया। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट ग्रोथ अंडर द लाइट एरिया एंड अंडर द डार्क एरिया। अगर हम इसके डेटा सेट को देखें
तो पेट्री डिश वन के अंदर 6 प्लांट्स ने ग्रो किया जो हमने लाइट एरिया में रखा। इसी तरह डिश टू के अंदर 9 प्लांट्स का ग्रोथ रेट मिला और डिश नंबर 3 और 4 के अंदर 100% मीन्स 10 सीड से 10 प्लांट्स ही ग्रो हुए और ये लाइट एरिया का डेटा है। सिमिलरली अगर आप देखते जाएं तो लाइट एरिया और डार्क एरिया का डेटा है और ट्रीटमेंट के अंदर 2 कैटेगरीज है, लाइट एरिया एंड डार्क एरिया, और सीडलिंग का वेरिएबल स्केलर फॉर्मेट में है, इंटरवल फॉर्मेट में। जब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम लोग एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मींस इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और यहाँ से सीडलिंग स्केलर वेरिएबल को एज अ टेस्ट वेरिएबल यूज करेंगे और नंबर 2 यहाँ से ट्रीटमेंट के वेरिएबल को ऐड करेंगे और डिफाइन ग्रुप में जाके उसका कोड 0 और 1 जो हमने वैल्यू एट्रीब्यूट्स के अंदर यूज किया था वो यहाँ डिफाइन ग्रुप में ऐड करेंगे, जस्ट ओके करेंगे। आफ्टर दैट हमारे सामने ये एक आउटपुट टेबल आएगा। इस आउटपुट टेबल को देखने से पहले हम लोग यहाँ पर 2 स्टेप 1 और स्टेप 2 है। स्टेप 1 के अंदर टॉप पे लिखा हुआ है लेविन टेस्ट। लेविन टेस्ट की मैं डिटेल बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लेविन टेस्ट हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द होमोजेनिटी इन आवर डेटा सेट। और यहाँ पर देखें ये रेड सर्कल के अंदर 0.184 प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ लेविन टेस्ट। लेविन टेस्ट के अकॉर्डिंगली पी इज ग्रेटर देन अल्फा, देन वी कैन से दैट देयर इज होमोजेनिटी इन आवर डेटा सेट। हम लोग एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि p इज ग्रेटर देन अल्फा, p ग्रेटर होता है या सिग्निफिकेंस वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होती है तो हम कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस। अगर यहाँ पर देयर इज नो डिफरेंस इट मीन्स दे आर सिमिलर। व्हेन दे आर सिमिलर इट मीन्स देयर इज होमोजेनिटी इन आवर डेटा सेट। जब हमने यहाँ से चेक कर लिया कि देयर इज होमोजेनिटी इन आवर डेटा सेट, देन चेक करें यहाँ पर इक्वल वेरियंसेस अज्यूम्ड। हम लोग फर्स्ट रो को रीड करेंगे और यहाँ से जो कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट डार्क एंड लाइट एरिया उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिग्निफिकेंस वैल्यू को पिक करेंगे। सिग्निफिकेंस वैल्यू है यहाँ पर 0.005 और अगर आप इस रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें तो पी लेस है तो इसका मतलब है देयर इज डिफरेंस। हम लोग कह सकते हैं देर इज डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट ऑफ द सीडलिंग इन डार्क एरिया एंड इन लाइट एरिया। और एक्सप्लेनेशन में आप देखें द मेन डिफरेंस इन सीडलिंग स्प्राउटेड बिटवीन द टू ट्रीटमेंट लाइट एंड डार्क वाज -2.90, दैट इज द मेन डिफरेंस। फ्रॉम मेन डिफरेंस वी कैन ऑल्सो जज देर इज डिफरेंस द वैल्यू ऑफ टी विच इज -3.179 was statistical significant at p is equal to 0.005. Therefore, the null hypothesis is rejected and alternate hypothesis is accepted. और अब हम इसको practically perform करने के लिए हमें SPSS का platform पे जाना होगा, उस software को open करना होगा। हम analysis पे जाएंगे, यहाँ से SPSS open करने की कोशिश करते हैं। SPSS को ओपन किया, यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का ही डेटा है मेरे पास और आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के यहाँ से आप चेक करें यहाँ पर कोड है 0 और 1 और यहाँ पर सीडलिंग ग्रोथ है कि फर्स्ट डिश के अंदर 6 प्लांट्स ग्रो हुए और सेकंड के अंदर 9, थर्ड के अंदर 10 और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 20 डिशेस थी तो 20 डिशेस का यहाँ पर डेटा है। मैं क्या करूँगा, एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मींस और यहाँ से इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यहाँ पर सीडलिंग को एज अ टेस्ट वेरिएबल क्योंकि स्केलर फॉर्मेट में था, ट्रीटमेंट को एज अ ग्रुपिंग वेरिएबल यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर 0 और 1 का कोड साइन करेंगे, जस्ट कंटिन्यू करेंगे, ओके किया
और हमारे सामने ये रिजल्ट्स है। और इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने से पहले मैंने लास्ट स्लाइड शो के अंदर भी डिस्कस किया था कि वी ऑलवेज चेक लेविन टेस्ट टू आइडेंटिफाई द होमोजेनिटी इन आर डेटा सेट। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू वी कैन से दैट देयर इज होमोजेनिटी इन आर डेटा सेट। और आफ्टर दैट हम फर्स्ट रो को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0.005, दैट इज लेस देन अल्फा। वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई अल्फा फ्रॉम कॉन्फिडेंस इंटरवल। देन वी कैन से दैट पी इज लेस देन अल्फा, इट मीन्स देर इज डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट ऑफ द सीडलिंग इन लाइट एरिया एंड इन डार्क एरिया। अगर हम इसी इंडिपेंडेंट सैंपल को फर्दर डिस्कस करना चाहें तो मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का एक डेटा सेट है। इसके अंदर मैं ये करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू अ कंपेरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जी पी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि जेंडर के अंदर कोड क्या था, 10 फॉर मेल था, 11 फॉर फीमेल है। हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स, और यहाँ से इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यहाँ से जी पी एड किया एज अ टेस्ट वेरिएबल, जेंडर को एज अ ग्रुपिंग वेरिएबल, और डिफाइन ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर 10 फॉर मेल था, 11 फॉर फीमेल, जस्ट कंटिन्यू किया, ओके किया। ये हमारे सामने आउटपुट टेबल आया। इस आउटपुट टेबल में हम लेविन टेस्ट को देखें तो 0.905 है। देन वी कैन से दैट देर इज होमोजेनिटी इन आर डेटा सेट। ना फर्स्ट रो का रीड करते हुए हम लोग यहाँ पर आएंगे, सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.275, दैट इज ग्रेटर देन अल्फा। वी कैन से दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जी पी ए। और यहाँ से ये ग्रुप स्टेटिस्टिक्स के अंदर मीन से भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और सेकंडली इस कॉलम के अंदर देखें मीन डिफरेंस से, तो 0.27 का डिफरेंस है, दैट इज नॉट टू मच लार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी वैल्यू पी इज ग्रेटर देन अल्फा, वी कैन से दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जी पी ए और टेस्ट रिजल्ट। मैं आउटपुट टेबल को मिनिमाइज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का जीपीए की बेस पे या टेस्ट रिजल्ट्स के बेस पे कंपैरिजन करना है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगेन एनालाइज में है, कंपेयर मीन्स, और यहाँ से इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यहाँ से मैं इस ग्रुप को रिमूव कर दूंगा, और यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी का वेरिएबल ऐड करूँगा, और यहाँ पर भी ग्रुप कोड था 1 एंड 2, कंटिन्यू किया, जस्ट ओके किया। अब हम इस आउटपुट टेबल को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ चेक कीजिएगा, हमारे पास जो लेविन टेस्ट है दैट इज 0.01, वी कैन से दैट पी इज लेस देन अल्फा, इट मीन्स देर इज नो होमोजेनिटी इन आर डेटा सेट। जब आपके डेटा सेट में होमोजेनिटी नहीं होगी तो हम इसकी लास्ट रो को रीड करते हुए टू टेस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.007 को पिक करेंगे, 0.007 दैट इज लेस देन अल्फा। वी कैन से दैट देर इज डिफरेंस इन द रिजल्ट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज। अगर आप ग्रुप स्टेटिस्टिक्स में जाएं तो यहाँ से मीन से भी पता चल जाएगा आपको कि ये जो मीन है 2.88 फॉर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज है एंड 3.48 फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ से भी हमें असेसमेंट आ जाती है कि देर इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑन द बेस ऑफ जी पी आर टेस्ट रिजल्ट। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो एक एग्जाम्पल था, एक सिनेरियो ये भी था कि हमने डिस्कस किया था कि हम ऑन वर्कर्स का डिफरेंस चेक कर रहे थे, कि हम लोगों ने असेस करना था कि जो डिफरेंट वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल, जो हमारा सेकंड सिनेरियो था उसमें असेस करना था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास
एक माइंस का वेरिएबल है माइंस का है और हमने इसकी कैटेगरीज अभी बनानी थी माइंस का इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स है आउटपुट है। साथ ही हम लोग यहाँ एक और कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पर इसकी हमने ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कोड मिस्टेकनली यूएमटी और यूसीपी के लिखा गया था हम इसको चेंज करते हैं। हम करते हैं वन फॉर प्राइवेट प्राइवेट ओनरशिप के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे थे टू फॉर गवर्नमेंट ओनरशिप के अंडर जो काम कर रहे थे हम इसको ऐड करेंगे। जस्ट ओके किया डेटा और यहाँ पर हमने ये डेटा देखा गवर्नमेंट और प्राइवेट ओनरशिप के अंदर। तो ये हमारी जो माइंस के अंदर दो माइंस थे एक माइन के अंदर प्राइवेट ओनरशिप में काम किया जा रहा था और सेकंड माइंस के अंदर ग्रुप गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर काम किया जा रहा था। और ये माइंस के आउटपुट थी 48 टन्स था 45 टन्स 33 टन्स 39 टन्स। तो हर जो भी उसके अंदर वर्कर था तो उसकी प्रोडक्शन की डिटेल है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एनालाइज में आएंगे कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और यहाँ से रीसेट करता हूँ। ये माइंस आउटपुट था और इधर माइन के अंदर जितने भी माइनर थे जो काम करने वाले थे उनको हमने कोड दिया हुआ था वन एंड टू। जस्ट कंटिन्यू किया ओके किया। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो प्राइवेट ओनरशिप में काम कर रहे थे उनकी जो प्रोडक्टिविटी का मीन था 42.55 गवर्नमेंट ओनरशिप में जो काम कर रहे थे 39.13। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास पी है 0.001 देन वी कैन से दैट देर इज नो होमोजेनिटी इन आर डेटा सेट। व्हेन देर इज नो होमोजेनिटी इन आर डेटा सेट देन वी हैव टू रीड द लास्ट रो अकॉर्डिंग टू द लास्ट रो सिग्निफिकेंस वैल्यू इज 0.017 0.017 दैट इज लेस देन अल्फा दैट इज लेस देन अल्फा वी कैन से दैट देर इज डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर those are working under the ownership of private ownership and under the government ownership. So according to scenario we have to use different examples. हमने जैसा कि इसके शुरू में examples को discuss किया scenarios को discuss किया उसके accordingly हमने यहाँ पर try किए कि practically perform किया जाए data set develop किया जाए और उसका analysis किया जाए ताकि students को conceptually भी क्लैरिटी हो और थ्रेटिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली भी उसके कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो आज के लेक्चर में मैंने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को डिटेल से डिस्कस किया। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का हैंडआउट भी शेयर किया जा सकता है और आप कमेंट्स में जाएं फीडबैक दें और कोशिश की जाएगी कि कमिंग लेक्चर्स के अंदर जो मैक्सिमम एक्सपोजर है इन्फ्रेंस स्टेटिस्टिक्स का वो डिस्कस किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को स्टडी का बैकग्राउंड भी पता हो उसके फर्दर एनालिसिस का भी पता हो ताकि वो असेस कर सके कि किस सिचुएशन में कौन सा एसपीएसएस के एनालिसिस के लिए टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। होपफुली ये सारे लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे आप यहाँ से लर्न कर रहे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि कमिंग लेक्चर्स में वो आपके फीडबैक को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और चीज़ों को बेस्ट वे से प्रेजेंट किया जाए ताकि आप लोगों की लर्निंग आउटपुट उनको मैक्सिमम वे से इम्प्रूव किया जाए आपको मैक्सिमम हेल्प किया जाए। थैंक यू।